हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो हम लोगों आप लोगों के लिए जो लकड़ी का चूल्हे के ऊपर चिकन सुखा बना रहे हैं, आप लोग अपना घर के पास थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अगर जब आप लोगों के पास ये जो लकड़ी का चूल्हा नहीं रहेगा तो भी ज़्यादा फ्लेम के ऊपर अपना घर के गैस के अंदर भी आप लोग बना सकते हैं। इधर तो हमने बाज़ार से तो वो 1 किलो चिकन लेके आया है। इसमें तो सबसे पहले मैरिनेटिंग के लिए तो हम लोग एक चिकन 1 किलो के अंदर 200 ग्राम दही तक इसके अंदर पहले ही ऐड कर रहे हैं। अभी ये जो साफ़ किया हुआ चिकन में 2 चम्मच छोटे चम्मच देखिए आप लोग, 2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ही ऐड कर रहे हैं। थोड़ा स्वाद के लिए थोड़ा सा टेस्टिंग साल्ट भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और आधा नींबू तक इसके अंदर ऐड रहे हैं। कोई ज़्यादा खट्टा मांगता है तो इसके अंदर और भी थोड़ा लेमन का जूस डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। ये जो दही और ये जो हम लोग अदरक लहसुन का नमक ये सब पेस्ट इसके अंदर डाला है, अभी इसको अच्छा सा थोड़ा चिकन को इसको लगे तक इसको थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। और इसके अंदर छोटा चम्मच तीखा मांगता है तो सूखा मिर्च आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सूखा मिर्च का पाउडर भी थोड़ा ऐड किया और धनिया का पाउडर भी इसके अंदर तो 2 चम्मच थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। आप लोग देखिए, आप लोग अपना घर के पास अपना ये जो सूखा चिकन बताते हैं ये लोग, आप लोग वो इसको ट्राई कीजिए। थोड़ा सा हल्दी भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। जैसे जैसे हम लोग अपना चैनल एडिटिंग करते हैं, हम अपना जॉइंट फैमिली है, कभी कभी अपना बीवी भी खाना बनाती है, मैं भी खाना बना लेता हूँ। आजकल तो हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्योंकि आदमी लोग को जैसे खाना आँख को दिखने के लिए थोड़ा कलरफुल मांगता है। अगर से आप लोग कलर नहीं डाल सकते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इधर तो हम लोग ये जो लकड़ी का चूल्हा अपने हाथों से ये तो बनाया हुआ था, इसके अंदर सबसे पहले ये जो कढ़ाई में 2 स्पून ये जो बड़ा चम्मच है इससे हम लोग थोड़ा सा समझिए कि 200 ग्राम तक इसके अंदर आयल ऐड करें। आप लोग देखिए, सबसे पहले ये जो आयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डाल रहे हैं। ज़्यादा तेल गर्म होए तक इंतज़ार नहीं करने का क्योंकि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो इसका तो कलर चेंज हो जाता है। इसलिए थोड़ा गर्म होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप लोगों को स्वाद सही तरीके से दिखेगा। जैसे जैसे ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट लाइट ब्राउन हो जाता है, जो मैरिनेटिंग के लिए हम रोक रखा था वो जो चिकन है इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये एकदम स्पेसी और अच्छी रेसिपी है। आप लोग अपना घर के पास थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अपना चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हम लोग ये जो चिकन बनाया है इसके अंदर तो वो ज़्यादा पानी का इसका तो हमको नहीं लगा है, इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है। अगर चाहे आप लोग चिकन नहीं गलेगा तो वो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। इधर तो हम लोग इधर थोड़ा सा ये जो सौंफ और सूखा मिर्च और धनिया आपके पास रखे रहेंगे तो इसको थोड़ा सा गर्म करके एक साइड में, ज़्यादा इसको पाउडर नहीं बनाने का, जैसे जैसे मोटा मोटा ही इसको मिक्सी में मार के रखने का। इसलिए हम लोग ये जो सूखा मिर्ची और सौंफ और धनिया, आज तो अपना घर के अंदर धनिया नहीं था इसलिए हम लोग इसके ऊपर तो धनिया का पाउडर मिक्स किया है। आप लोगों के पास है धनिया रहेगा तो वो भी साथ में, थोड़ा सा इसको हल्की से आँच में थोड़ा भून लेने का।
ये तो एकदम नया रेसिपी है। इधर तो हम लोग ग्रीन मसाला बनाया है, हरी मिर्च और कोथिमीर और एक टमाटर तक इसके अंदर डाल के, ये जो हरा मसाला भी बना के रखा है इसमें, तो ये जो चिकन में लास्ट में डालना पड़ेगा, ये जो भुना हुआ ये सौंफ और ये जो सूखा मिर्च है इसके अंदर अपना घर में थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड किया है। देखिए ये जो चूल्हे के ऊपर मैं जब पहले देखता था कि ज़्यादा पानी लगा, लेकिन धीरे धीरे से नीचे जैसे जैसे फ्लेम ज़्यादा होने लगा है एकदम पानी ख़त्म हो गया है। इसको थोड़ा सा हिलाने का, ज़्यादा ढाप के नहीं छोड़ने का, क्योंकि ढाप देंगे तो ये तो ज़्यादा गल जाएगा। ये मिक्सर में तो ज़्यादा नाइस नहीं करने का, थोड़ा मोटा मोटा ही रखने का। अभी जैसे जैसे ये जो चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाता है इसमें थोड़ा सा नारियल का पाउडर भी हम लोग मिक्स किया, और वापस ये जो ग्रीन मसाला है हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। अभी तो इसके अंदर का जितना पानी था ये एकदम ख़त्म होने आ रहा है। उस टाइम में तो हम लोग ये जो सोप और सूखा मिर्च धनिया का पाउडर है मैं ऊपर से अभी डालेंगे तो सही रहता है। देखिए अभी ये जो सोप और सूखा मिर्च का पाउडर भी अभी ऊपर से डाल रहा हूँ। आप लोग टीका मांगता है तो और भी सूखा मिर्च इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी तो पानी एकदम इसके अंदर ख़त्म हो गया था, अभी ये जो तेल के अंदर अच्छा सा सूखा हो रहा है। देखिए हम लोग बहुत दिन हो गया था ऐसे भी चूल्हे के ऊपर खाना बनाने के, अपने बच्चे घर बार और इसको बनाने के वक्त ही आदमी लोग बताना चालू किए कि भाई ये तो एकदम सही तरीके का सूखा है, और इसके अंदर थोड़ा सा करी पत्ता हम लोग डाल रहे हैं और धनिया का पत्ती भी थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। ये जो चूल्हे के ऊपर थोड़ा सावधानी रहने का है, और इसके ऊपर तो थोड़ा कटा हुआ प्याज भी डाल रहे हैं। कभी ये जो कटा हुआ प्याज हम लोग डाल रहे हैं तो इसको ज़्यादा नहीं, इसको टाइम तक रखने का, जब भी लास्ट में जब भी ख़त्म होते हैं इस वक्त तो ये रखने का, क्योंकि कोई कोई इसके अंदर प्याज डालेंगे तो और भी स्वाद अच्छा रहता है, और स्वाद के लिए हम लोग ऐड किया हुआ है। अभी तो ये एकदम पक्का तरीके से तैयार हो गया है। आप लोग अपना चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। अभी यही सर्व करके आप लोग को दिखाते हैं, बस अब खाना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।